आपने जब ये वीडियो देखा, इस तरीके का यूनिक नेम आर्ट वाला वीडियो टिकटॉक पे काफी तेजी से वायरल होता है और इस तरीके के वीडियो को बनाकर आप टिकटॉक पे लाइक्स और फॉलोअर को बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस तरीके के नेम आर्ट वाले वीडियो को बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है और आपका डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सेलेक्टेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए हम काइन मास्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद प्लस आइकन को दबाना है और 16:9 का रेशियो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों, हमें मीडिया में जाना है और एक बैकग्राउंड को ले लेना है, ऐसे खींच के थोड़ा बड़ा कर देना है। उसके बाद दोस्तों, हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। इसके लिए इस पर क्लिक कर, इसके लिए हमें लेयर में जाना है और टेक्स्ट को चुन लेना है और अपने नाम को लिख लेना है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं अपना नाम लिख लेता हूं और इसके स्टाइल को चेंज कर लेना है। इसके लिए डबल ए पे क्लिक करना है, डिस्प्ले में जाना है और ये वाला मैं स्टाइल रख रहा हूं, आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास ये सब स्टाइल नहीं है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है दाहिनी तरफ, उसमें क्लिक करना है और आप फ्री में ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं बैक कर देता हूँ, इसे खींच कर बड़ा कर देता हूँ, यही दोस्तों इतना बड़ा मैं कर देता हूँ और ये बैकग्राउंड के अनुसार इसे बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देना है। ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और इसे ग्रीन कर देना है, तो डीप ग्रीन कर देते हैं ताकि हमारा क्रोमा की अच्छे से हो। इस तरीके से हमें ग्रीन कर देना है और इसे सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। ये जो एक्सपोर्ट का शेयर का बटन है इस पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों, सिंपली हमें बैक करना है, फिर से बैक करना है, फिर से प्लस आइकन को दबाना है और 16:9 का रेशियो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का लिंक दिया हूँ, उसे सिंपली डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आना है। तो सिंपली मैं उस वीडियो को लेके आता हूँ। उसके लिए मीडिया में जाना है और अपने उस वीडियो को लेके आना है। देखिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो है, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको लेके आएंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें अपने टेक्स्ट को लेके आना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपने टेक्स्ट को जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसे सिंपली लेके आना है। ये हमारा टेक्स्ट है, इसे सिंपली लेके आना है और इसे फुल स्क्रीन कर देना है। कैची के बगल में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन कर देना है। इस तरीके से हमें कर देना है। उसके बाद दोस्तों, हमें अपने टेक्स्ट के अनुसार इस बैकग्राउंड को कर लेना है। इसके लिए कैची पे जाना है और ट्रिम टू राइट अप प्लेट कर देना है। इस तरीके से हमारा इतना हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, हमें सिंपली टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है और दाहिनी तरफ आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिख जाता है उस पर क्लिक करना है और इसे एनेबल कर देना है। देखिए दोस्तों, ये कलर को थोड़ा डीप कर देना है क्योंकि मैंने डीप किया था और इसे आगे पीछे करके मैच कर लेना है। इस तरीके से मैच करने के बाद देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बन के रेडी हुआ है। क्रोमा की करने के बाद दोस्तों, इसमें देखिए ये थोड़ा डार्क दिख रहा है, मतलब काला दिख रहा है। इसे थोड़ा ठीक करने के लिए हमें बैकग्राउंड वाले वीडियो पे क्लिक करना है और दाहिनी तरफ जाना है और एडजस्टमेंट में जाना है और अपने हिसाब से इसे मैच कर लेना है। तो मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये वाला बढ़ा देना ब्राइटनेस को और लास्ट वाले को पूरा कलर कर देना है, डार्क कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा हमारा वीडियो ये थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसको आपको एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद इस तरीके से हमारा वीडियो कुछ बनकर रेडी हुआ है। अब इसके बैकग्राउंड में जो इफेक्ट था उसे ऐड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक वाला वीडियो को लेके आना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और इस वाले वीडियो को लेके आना है। ये हमारा ये बैकग्राउंड वाला वीडियो है, यहाँ है, इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए फालतू के पार्ट काट देते हैं, कैंची पे जाना है और ट्रिम टू लेफ्ट अप प्लेट कर देना है और इसे खींच के यहाँ कर देना है। और दोस्तों, इसे सिंपली हमें फुल स्क्रीन कर देना है। इसके लिए कैची के बगल में जो बॉक्स है इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से हमारा ये बैकग्राउंड हो जाता है। अब सिंपली इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ जाना है और आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखता है उस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन मोड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है। तो ये ज़्यादा बैकग्राउंड दिख रहा है, इसके लिए हमें ये ऑपेसिटी को घटा देना है, इतना कर देना है ताकि हमारा टेक्स्ट अच्छी तरीके से दिखे। इस तरीके से हमें कर देना है और ये जो फालतू का पार्ट है जो, इसे कैची की मदद से कट कर देना है। कैची पे जाना है और ट्रिम टू राइट अप प्लेट कर दे। तो देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप ट्रेंडिंग साउंड में इस तरीके की वीडियो को बनाकर
टिकटॉक पे छोड़ेंगे तो आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है। तो सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये नेम आर्ट कितना कूल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके के नेम आर्ट को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, इसे सेव और शेयर करने के लिए जो शेयर का बटन, इस पर क्लिक करना है और इसे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।